इससे अच्छा व्यू शायद ही पेट्रा का और नहीं मिलेगा। No, thank you, brother. जीने दो यार। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वेलकम टू द एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा। पेट्रा है ग्रीक नेम और पेट्रा का मतलब होता है ग्रीक में रॉक। पेट्रा सिटी का जो कंस्ट्रक्शन था वो आज से लगभग 2 से 2500 सालों के बीच में स्टार्ट हुआ था और इस सिटी को बनाने वाले थे नेबथियंस, उनको आप ओल्ड अरब बोल लीजिए, और उन्होंने पत्थर को काट काट के तराश के ये सिटी बनाई थी। ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला नहीं काटा था, ये तो एक नेचुरल। तो नेबथियंस के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जगह है एकदम डेजर्ट के बीच में, और डेजर्ट के बीच में कोई सिटी क्यों बनाएगा, इसके पीछे तो एक बहुत बड़े राज हैं जिनका मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और उतनी रिसर्च मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन डेजर्ट के बीच में भी होते हुए उन्होंने एक सिटी बनाने का फैसला किया। वो सिटी थ्राइव करी थी यार, ऐसा नहीं है कि जैसे अकबर ने अपनी नई कैपिटल फतेहपुर सिकरी को बनाया और लगभग 20 से 30 साल बाद ही उसने फतेहपुर सिकरी को छोड़ दिया, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में जो पानी का सोर्स था वो था नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई सिटी थी, तो इस कारण से अकबर वापस से आगरा शिफ्ट हो गया था। लेकिन ये सीन नेबथियंस के साथ नहीं था। नेबथियंस ने क्या किया था, यहाँ पे एक ऊपर एक स्प्रिंग है जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। 5 किलोमीटर दूर स्प्रिंग से उन्होंने एक पानी का चैनल बनाया था, छोटी छोटी पाइपलाइन, टेराकोटा की पाइपलाइंस बोल सकते हो आप इसे, जिनको इनके अंदर फिट किया गया था, ये जो आप जगह देख रहे हो, और ये धीरे 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 जो सिटी का मेन सेंटर था वहाँ तक पानी पहुँचाता था। आज से 2000 साल पहले प्लम्बिंग या पाइप्स के थ्रू पानी सप्लाई होता था यार। ये जो कैनियन है जिसके अंदर अभी मैं चल रहा हूँ, इसकी लेंथ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। सबसे पहले तो जो नेबथियंस थे उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतनी मस्त लोकेशन पे अपनी सिटी बसाई। पापा जय हिंद। ये सबसे अच्छी बात है जब आप पैंडमिक के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको लगभग टूरिस्टिक डेस्टिनेशन एकदम खाली मिलेंगे। इनकी हाइट शायद आपको ढंग से दिख भी नहीं रही होगी, लेकिन मैं अपनी इन नग्न आँखों से बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। ऐसे नेबथियंस जो थे वो कोई वॉरियर टाइप में नहीं थे, उनका जो मेन वो था मेन बिजनेस बोल लीजिए, देवर ट्रेडर्स। वो क्या करते थे, इंडिया ईरान इराक से जो सामान आता था उसको ट्रांसपोर्ट करते थे यूरोप की तरफ, मेडिटेरेनियन की तरफ। पेट्रा सिटी तो उन्होंने बसाई थी आज से लगभग 2000 साल पहले, लेकिन उनके जो ट्रेड रूट्स थे वो बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते थे, जैसे इजिप्ट, जो इजिप्ट के फेरोज के और मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बीच में जो लिंक था वो पेट्रा के थ्रू ही होता था। इधर भी पानी की पाइपलाइन और इधर भी पानी की पाइपलाइंस। और कुछ स्टडीज़ हुई थी यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग नेबथियंस के पास इतने वाटर रिसोर्सेज थे कि उस टाइम इस सिटी की पॉपुलेशन थी लगभग 30,000 के करीब, और उनका जो पानी का स्टोरेज था अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर बंदे को 8 लीटर पानी डेली के लिए मिलता था, और उस टाइम में 8 लीटर पानी काफ़ी होता है यार। एक बार आप सोच के देखिए कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर आपको इस टाइप के कैनियन को डेली क्रॉस करना पड़े, और इस कैनियन के अंदर आप बाइक चला रहे हो, बूम बूम बूम, मजे आ जाएंगे यार। पर इस मामले में नेबथियंस की दाग देनी पड़ेगी, इन्होंने इतनी मस्त जगह चूज की अपनी सिटी बसाने के लिए। ये है यहाँ का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट। थैंक यू। ये है पेट्रा की मेन ट्रेजरी। जो नेबथियंस थे उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन था वो ऊपर से करना स्टार्ट किया था, ऊपर से पहाड़ को तराशना, फिर नीचे जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, क्योंकि
उस टाइम पे ऐसी कोई मॉडर्न टेक्निक तो थी नहीं कि क्रेन के सहारे ऊपर लटक जाएं, या फिर पहाड़ों में आपको कहीं पे छेद नहीं दिख रहे हैं कि उन्होंने गार्ड गार्ड के जो रोप्स होती हैं या फिर जो रस्सी होती है उनके थ्रू लटके होंगे, ऐसा कोई सीन नहीं था। ये देखिए भाई, मैं एकदम क्लिफ के एज पे हूँ। अब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, और नीचे जाना आसान नहीं होगा, बस ये है कि मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, अगर रास्ता भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। रास्ता डरावना है यार, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है, और एक बार अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया ना तो जाके मुंह लगेगा। ये है ट्रेजरी का व्यू नीचे से, और पहले मैं था इधर ऊपर। यहाँ पे जो एंट्रेंस वाला कैनियन वो ख़त्म हो जाता है, फिर इधर एक डैम बना रखा है ताकि अगर फ्लड व्लड आए तो बच जाए थोड़ा बहुत, और एक डैम उधर बना रखा है, और बीच में ये ट्रेजरी। नो ब्रदर, नो नो, थैंक यू ब्रदर, प्लीज थैंक यू। मैं जो आगे के मोन्यूमेंट्स हैं उनके तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। हर बंदा बोल रहा है यार ये स्पीकर हमें दे दे, हम तेरे को एक पोस्ट कार्ड दे देंगे। मैं यार बड़े शाने हो यार तुम तो। शायद जो मेन सिटी है उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। ये जो आपको पीछे मकबरे दिख रहे हैं ना, ये हैं यहाँ के जो कॉमन लोग थे, लेकिन जो किंग्स थे या फिर जो यहाँ के रॉयल लोग थे उनके जो टूम्स हैं वो थोड़ी सी घूम के एक ट्रेल है, ये ऊपर वाले सभी उन्हीं के हैं। अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और पेट्रा को बहुत ढंग से घूमना है तो कम से कम आप 3 दिन का पास लेना यार। अगर इस जगह पर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो ना, सारी की सारी चीज़ें पत्थर को कार्व करके बनाई हुई है, तगड़ी इंजीनियरिंग है यार, और वो भी डेजर्ट के बीच में, और जगह जगह पर इन्होंने डैम बना रखे हैं पानी को प्रिजर्व करने के, पता नहीं कितने तरीके अपनाए हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेरे जैसे लोग रहते होंगे यार, जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, बड़े बड़े मंदिर थे, वो तो पीछे रह गए हैं। गधा लात ना मार दे पीछे से। लेकिन यार ऐसी जगह पर सिटी बसाने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है आप बताओ? ना यहाँ पर अनाज होता है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, गर्मी यहाँ पे दबा के पड़ती है, तो यहाँ पे शहर को बसाने का सबसे मेन कारण था कि ये एक बहुत बड़े ट्रेड रूट के ऊपर पड़ता था। थैंक यू ब्रदर। इट्स लॉन्ग वे। आई नो। थैंक यू। ये केव थोड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ बैठ के थोड़ी देर पानी भी पी लूँगा। ये मकबरा है या घर है समझ नहीं आ रहा यार। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा जिस केव में अभी हूं मैं, ये किसी का मकबरा है या घर है? अगर हर जगह मकबरे होंगे तो लोग रहते कहां थे फिर? मेरे हिसाब से घर ही होगा यार। आपको एक बार ये थोड़ा सही कर लेता हूं यार। हाँ अब सही है। लग तो रहा है पहुंच गया हूँ, और पसीने में पूरा भन्ना गया हूँ, मैं भीग गया हूँ, भन्ना तो गया। हाँ जी, ये है यहाँ की मोनेस्ट्री,
पूरे पेट्रा के अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्टोन कार्विंग की गई है ना, वो इसी जगह पर की हुई है। और जब बाद में रोमन्स ने इसे कैप्चर कर लिया था नेबथियंस के बाद, तब इस मोनेस्ट्री के अंदर जो क्रॉस होता है ना क्रिश्चियंस का, उसको कार्व कर दिया था अंदर। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पूरी वैली क्रॉस करनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, इतनी दूर दूर जगह सेलेक्ट क्यों की थी, थोड़ा पास में रह लेते। जो बेचारे वर्कर थे उनको भी बहुत ज़्यादा देर चल के आना पड़ता था, और अगर मान लो आज राजा जी का मन हो गया ऊपर जाने का, तो उसको लेके कौन जाएगा। लौंडे फाइटर तो थे कि उन्होंने ऐसी जगह पर अपना शहर बसाया। यह है बेस्ट व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे कोई है नहीं बंदा, तो थोड़ी देर आप अकेले बैठ भी सकते हो। ये है पेट्रा की हसीन वादियाँ, जहाँ पर ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट पर आके आपका जो मन है ना, वो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर आपके अंदर से जो एड्रेनलिन रिलीज होती है ना, वो आपके बॉडी को ऐसे पंप करती है कि बस आप सब कुछ कर जाओगे दुनिया में। यही यार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पुश करती हैं, वो आपको ट्राई करते रहना चाहिए। रिस्क है लेकिन रिस्क में इश्क है। ये है पेट्रा का एंड पॉइंट। यहाँ से अब मुझे वापस से नीचे जाने की तैयारियाँ शुरू करनी पड़ेंगी। वापस चलते हैं, अगर रास्ते में कोई दूसरे ट्रेल मिला ना मेरे को मन हुआ तो मैं उस ट्रेल को भी कंप्लीट कर लूँगा। कम ऑन गाइस। लला लला लला, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। ये है मोनेस्ट्री, और जो पीछे आपको वैली दिख रही है ना, वैली के जस्ट पीछे पड़ता है इज़राइल। यहाँ पे खतरा है भाई, बस बहुत हो गया है, अब चलते हैं वापस करने के लिए। थोड़ा इधर या आ गया। रास्ते के अंदर जो व्यूज है ना, माशाल्लाह। आते टाइम भी इन बूढ़ी दादी को देखा था और अब भी देख रहा हूँ। शुक्रान। पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन दादी माँ को है ना, मेरे पास एक कॉफी पड़ी है। हिंदुस्तान, हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद, अल हिंद, अल हिंद, मुंबई। मैं दादी को ये दे देता हूँ यार, ये खोली नहीं अभी तक मैंने। कैपेचिनो है, मेरे पास पैसे नहीं यार, नहीं मैं इनसे कुछ खरीद लेता। कुछ बंदे होते हैं यार, उनको देख के आपके अंदर से बहुत तगड़ी पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। और जब भी मैं कोई बूढ़े आदमी को देखता हूँ, मेरे को मेरी नानी याद आती है। Your name? Rakhia. Rakhia. Name? Dipanshu. Shukran. Afwan. Bye bye. Bye bye. Maasalam. जब आप अपने हिस्से की चीज़ किसी और को देते हो ना, अंदर से जो आपका कॉन्फिडेंस आता है, उसका कोई जवाब नहीं है। सच में अगर मेरे पास पैसे होते ना, मैं दादी अम्मा से कुछ ना कुछ खरीद लेता, मेरे को नहीं चाहिए होता ना तो भी। लेकिन मैं कैश लेके नहीं आया, तो जो मेरे पास कैपेचिनो था वही दे दिया दादी को मैंने। कोई बंदा इस म्यूजिक को पहचान सकता है? जो बंदा इस म्यूजिक को पहचानेगा ना, उसको मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करूँगा। मेरे आज के दिन का आखिरी पॉइंट यार, 1 किलोमीटर की
मस्त सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ मैं। इस जगह का नाम है द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस। इससे अच्छा व्यू शायद ही पेट्रा का और कहीं से मिलेगा आपको। बहुत प्यारा व्यू है यार, बहुत ज्यादा प्यारा व्यू है। थक गया हूं यार और पानी भी खत्म होने वाला है। इस व्यू को बाय बोलने का टाइम आ गया, अब नीचे जा रहा हूं यार। बाय 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 पेट्रा। ये है यहाँ पे नीचे जाने की सीढ़ियाँ। हालत खस्ता हो गई है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, आज का डिस्टेंस देखिए आप, 21.4 किलोमीटर। मैं आज इतना पैदल चला हूँ और अभी लगभग 2 किलोमीटर और चलना है। तो कैसा लगा आपको पेट्रा? पेट्रा का नेचर भी और जो यहाँ पे ह्यूमन क्रिएशन है, दोनों के बारे में कमेंट करके बताना यार। बस उम्मीद ये है कि कल सुबह जब मैं उठूँ तो पैरों में या फिर बॉडी में कहीं पे दर्द ना हो, नहीं तो फिर डेड सी की तरफ नहीं जाया जाएगा। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप इन्जॉइंग योर लाइफ।